हेलो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर मैंने कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट आपको क्लियर कर दिया है। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। बेटा, कॉस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि एवरेज कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे रेवेन्यू के बारे में कि रेवेन्यू क्या होता है। देखिए बेटा, जब कोई प्रोड्यूसर होता है वो एक्सपेंडिचर करके कॉस्ट जो उसकी लगती है उससे अगर वो प्रोड्यूस करता है गुड्स, तो अब क्या करता है उसको वो गुड्स प्रोड्यूस करके उसका नेक्स्ट टारगेट जो होता है वो क्या होता है, सेल करना। ठीक है, तो जो गुड्स को सेल करके हमारे पास जो इनकम आती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। तो अब एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रेवेन्यू क्या होता है, इन इकोनॉमिक्स बाय सेलिंग अ कॉमोडिटी द अमाउंट दैट अ फर्म गेट्स इज कॉल्ड इट्स रेवेन्यू। समझ में आया कि इकोनॉमिक्स में क्या होता है रेवेन्यू, यानी कि आप जब आप किसी गुड्स को सेल करते हो मार्केट में तो उससे जो हमें पैसा मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू। द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज इट्स सेल्स रिसीट और मनी रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। जब हम किसी प्रोडक्ट को सेल करके जो हमारे पास मनी आती है हम उसको रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू को भी फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हमारा टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। जैसे हमारा कॉस्ट था ना वैसे ही है ये। तो टोटल रेवेन्यू में क्या हो जाएगा कि जो भी इनकम हमारे पास आई है, ठीक है, गुड्स को सेल करके। तो अब पढ़ लेते हैं कि टोटल रेवेन्यू क्या है। टोटल रेवेन्यू इज द सम, सम मतलब टोटल, सम ऑफ मनी रिसीट ऑफ अ प्रोड्यूसर कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। जब आपने कोई गुड्स को सेल किया है और उससे जो आपके पास टोटल मनी आई है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। एग्जाम्पल के लिए देखिए, इफ 100 ब्रिक्स ऑफ आइसक्रीम आर सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹50 पर ब्रिक, टोटल रेवेन्यू ऑफ फर्म विल बी, देखो क्या होगा, टोटल रेवेन्यू यानी कि हमारे पास हमने कितने की एक वो थी हमारी ₹50 की, कितनी ब्रिक्स सेल की हमने 100, तो क्वांटिटी हमारी 100, प्राइस हमारा 50, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया हमारा 25,000। और अगर एक और तरीके से समझे तो देखिए, रेवेन्यू हमारा कितना क्या हो जाता है कि टोटल अर्निंग। तो अगर हम 100 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारा 5,000 है, तो 50 रुपीज़ को अगर हम 100 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5,000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, जितनी हम क्वांटिटी सेल करते हैं और जो उसका प्राइस होता है उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, टोटल रेवेन्यू। अब बात कर लेते हैं मार्जिनल रेवेन्यू की। देखिए बेटा, मार्जिनल के बारे में हमने पहले से ही पढ़ा है, क्या होता है, एडिशन होता है। हमने पढ़ा था ना कि जो टोटल में जो एडिशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कहते हैं। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू रेफर्स टू द चेंज इन, ठीक है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू एज अ रिजल्ट ऑफ द सेल ऑफ वन मोर और वन लेस यूनिट ऑफ कॉमोडिटी। कहने का मतलब है कि जितनी हमारी टोटल रेवेन्यू होता है अगर हम उससे ज़्यादा या फिर उससे हम कम सेल करते हैं तो जो हमारी अर्निंग होती है वो हमारी क्या होती है, मार्जिनल रेवेन्यू। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, मान के चलिए अगर अभी आपका टोटल रेवेन्यू है 1,000, ठीक है, बट अगर हमारा जो टोटल रेवेन्यू 1,000 ना होके 800 हो जाए तो जो डिफरेंस है कितने का आएगा, 200 का, वो हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू। अगर उससे अपोजिट चले कि पहले हमारी जो सेल थी वो 1,000 रुपीज़ थी, अब 1,200 हो रही है, तो जो अब हमारा डिफरेंस आ गया वो भी हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू को निकालने के दो तरीके हैं, जैसे मार्जिनल कॉस्ट को निकालने के लिए थे। पहला है मार्जिनल रेवेन्यू इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड, यानी कि जितना हमारा रेवेन्यू में चेंज आया और जितना हमने क्वांटिटी सोल्ड किया उसमें चेंज आया। या फिर मार्जिनल रेवेन्यू को निकालने का एक और तरीका हमारा क्या है, TRN - TRN-1, यानी कि जो अभी हमारी प्रेजेंट में इनकम है और जो प्रीवियस थी उसको माइनस करके हम निकाल लेते हैं। अब बात कर लेते हैं एवरेज रेवेन्यू की। हमने एवरेज के बारे में पढ़ा हुआ है, एवरेज क्या होता है, डिवाइड करते हैं हम टोटल से, तो वही है इसमें, एवरेज रेवेन्यू इज़ द पर यूनिट। हमने पढ़ा था ना एवरेज का मतलब पर यूनिट निकालना होता है। सो एवरेज रेवेन्यू इज़ द पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ द कॉमोडिटी, यानी कि पर यूनिट हमें कितना अर्निंग हुई है, कितना रेवेन्यू आया, अगर हमें ये जानना है तो हम किसका फॉर्मूला लगाते हैं, एवरेज रेवेन्यू का। तो एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू अपॉन में क्वांटिटी सोल्ड, यानी टोटल रेवेन्यू मतलब जितना रेवेन्यू आपने
सेल की और जितना रेवेन्यू आपके पास आया है अपॉन में जितनी क्वांटिटी आपने सेल की है। अगर एग्जांपल के लिए मैं बताऊं आपको, तो मान के चलिए कि अगर आपने 2000 रुपीज़ आपका टोटल रेवेन्यू आया है और जो आपने क्वांटिटी सेल की है वो 50 सेल की है, तो अगर आप इसको काट देंगे तो आपका कितना आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू? ₹40। आई होप ये क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा कि एवरेज रेवेन्यू क्या होता है। ठीक है, तो हम एवरेज रेवेन्यू को TR अपॉन में क्यों भी लिखते हैं, और TR हमें पता है क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। अभी हमने टोटल रेवेन्यू में पढ़ा था ना फॉर्मूला, प्राइस इंटू क्वांटिटी और अपॉन में क्वांटिटी। तो जब हम काट देते हैं तो P आ जाता है हमारा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एवरेज रेवेन्यू होता है वो हमारे प्राइस के भी बराबर होता है। ठीक है बेटा, अब हम रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू में। ठीक है, तो देखिए टोटल रेवेन्यू का हमें मालूम है, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है पी इंटू क्यू, यानी कि प्राइस इंटू क्वांटिटी। बट हम टोटल रेवेन्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू इंटू क्वांटिटी, वो भी सेम ही होता है। और जब हम सम कर देते हैं, यानी कि जब हम सारे मार्जिनल रेवेन्यू को एक साथ इकट्ठा कर देते हैं, तब भी हम उसको क्या कहते हैं, टोटल रेवेन्यू कहते हैं। तो AR का फॉर्मूला क्या था, TR अपॉन में क्यू, और मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या था, TRN - TRN - 1। ये वो फॉर्मूले हैं जिनके बारे में मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। अब देखिए बेटा, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो देखिए आपका ग्राफ इसमें क्या शो कर रहा है, ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये आपके टोटल रेवेन्यू को शो कर रहा है, और जो आपका नीचे वाला ग्राफ बना हुआ है ये आपके मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू को शो कर रहा है। ठीक है, तो देखिए जो आप ग्राफ बनाएंगे उसमें आपको, क्योंकि तीनों का रिलेशनशिप बताना है, तो पहले आप टोटल रेवेन्यू लेंगे और जो एवरेज है और मार्जिनल रेवेन्यू आप नीचे वाले ग्राफ पे लेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए रिलेशनशिप ऐसे क्लियर हो जाएगा कि जब टोटल रेवेन्यू बढ़ता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है। तो अगर हम नीचे देखेंगे तो अगर ये देखिए, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है और ये हमारा एवरेज रेवेन्यू है, तो जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या हो रहा है, ये हमारा स्टीपर है, यानी कि ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से कम है। ठीक है, आई रिपीट कि जब टोटल रेवेन्यू यानी कि जो हमारा हमारी टोटल अर्निंग है वो जब बढ़ती है, तो जो मार्जिनल रेवेन्यू वो और जो एवरेज रेवेन्यू वो हमारा टोटल रेवेन्यू से कम होता है, और जो मार्जिनल रेवेन्यू वो एवरेज रेवेन्यू से कम ही रहता है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होता है और मार्जिनल रेवेन्यू कम होता है। फिर उसके बाद जब हमारा ये पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है टोटल रेवेन्यू, यानी कि इससे ज़्यादा अब आपका टोटल रेवेन्यू नहीं हो सकता, जब हम किसी गुड को सेल करते हैं, जब हम गुड्स सेल करते हैं तो जब जितना हमारे पास मैक्सिमम सेल हो सकती है वो हमारी क्या हो जाएगी, टोटल रेवेन्यू। जब मैक्सिमम हो जाता है तो जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो हमारा जीरो होता है। क्या होता है, वो हमारा जीरो होता है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। और जब हमारा TR गिरना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि टोटल रेवेन्यू जब हमारा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, पैसा कम आना स्टार्ट हो जाता है, तब क्या होता है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो नेगेटिव हो जाता है और AR जो हमारा होता है वो डिक्लाइन होकर नीचे नीचे और डिक्लाइन होता रहता है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा ग्राफ भी देख लेते हैं। देखो बेटा, अभी जो हमने ग्राफ समझा इसी को मैंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि देखिए जब टोटल रेवेन्यू कर्व हैज़ बीन इंक्रीजिंग, अभी ऊपर में मैंने आपको बताया कि जो टोटल रेवेन्यू जो हमारा इंक्रीज होता है फ्रॉम पॉइंट O टू B, ये हमारा O है, ये हमारा B है, एंड देयर आफ्टर इट बिगिंस टू डिमिनिश, अभी मैंने बताया यहाँ तक बढ़ता है और उसके बाद फिर ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये हमारी फिगर, इसको नाम दे देते हैं हम फिगर A, और ये हमारी हो जाती है फिगर बी। ठीक है, अब अगर फिगर बी में देखोगे तो जो सेल ऑफ ईच एडिशनल यूनिट ऑफ कॉमोडिटी द मार्जिनल रेवेन्यू हैज़ बीन डिमिनिशिंग, कि जैसे जैसे हम सेल करते हैं एडिशनल यूनिट की तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा जीरो होता है। तो इस ग्राफ से हमें क्लियर हो जाता है कि वन TR इज इंक्रीजिंग, जब टोटल रेवेन्यू हमारा बढ़ता है एट इंक्रीजिंग रेट, जो हमने मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, MR इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो MR भी हमारा बढ़ता है। फिर वन TR इज इंक्रीजिंग एट कॉन्स्टेंट रेट, कॉन्स्टेंट रेट का मतलब होता है न कि जिस रेट से है उसमें ना तो ऊपर जाता है वो ना नीचे जाता है, कांस्टेंट रहता है, तो MR शुड बी कांस्टेंट, तो हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो भी कांस्टेंट, यानी कि सेम रेट से ही बढ़ता है। ठीक है,
व्हेन टीआर इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, यानी कि टीआर आपका बढ़ता है बट डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है, तो जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो डिमिनिशिंग गिरना स्टार्ट हो जाता है, और व्हेन टीआर इज मैक्सिमम देन एमआर इज जीरो। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब टोटल रेवेन्यू हमारा मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा जीरो होता है। अब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, कि आपको ग्राफ क्लियर नहीं हुआ हो तो उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको टेबल की मदद से और बता देती हूँ। देखिए बेटा, ये हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट है, हमारी आउटपुट है, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू है, ये हमारा टोटल रेवेन्यू है, और ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि जो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, पी इंटू क्यू, तो हम क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करते चलेंगे। मैंने बताया था आपको पी भी होता है हमारा, तो 1 × 100 इज 100, 2 × 90 इज 180, 3 × 80 इज 240, 4 × 70 इज 280, 5 × 60 इज 300 एंड 6 × 50 इज 300। तो इस तरह से हमारा ये टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। और मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, TRN - TRN - 1। तो देखिए, शुरू वाला तो हमारा कुछ नहीं दिया, यानी हम मान के चलेंगे यहाँ पे जीरो है, तो अगर यहाँ पे जीरो होगी तो वैल्यू जो होगी हमारे यहाँ पे जीरो होगी, तो अगर 100 में से हम जीरो डालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 100। अब TRN मेरा नेक्स्ट 180 है, TRN - 1 मेरा क्या है 100, तो 180 में से 100 जाएंगे तो 80, 240 में से 180 जाएंगे तो 60, 280 में से 240 जाएंगे तो 40। इस तरह से मेरा मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो हम देख रहे हैं कि देखिए, जो एवरेज रेवेन्यू है वो भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और देखिए, जब हमारा टोटल रेवेन्यू इधर मैक्सिमम है, ठीक है, जब हमारा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम इससे ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, जीरो है। जब मेरा टोटल रेवेन्यू डिमिनिशिंग डिक्रीज होने लग गया, वैल्यू नीचे जाने लग गई, तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये बात मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, व्हेन टीआर इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट देन एमआर शुड बी डिमिनिशिंग, और व्हेन टीआर इज मैक्सिमम एमआर इज जीरो। और एक और लाइन इसमें ये है कि जब टीआर जो हमारा डिमिनिशिंग होना स्टार्ट हो जाता है तो जो एमआर होता है वो हमारा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है बच्चा। और जो ये आपने मैंने आपको भी ये टेबल बताई है, इसी के थ्रू मैंने वो अभी जो आपको ग्राफ दिखाया था वो है। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो तो अगर आप बुक खोलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ग्राफ उसी से बनाया हुआ है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। अब बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर रेवेन्यू कर्व की। देखिए बेटा, आपका एक 11th चैप्टर है जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जो अभी तक हमने किया नहीं है, बट लेकिन जब हम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो मार्केट होती है उसमें तीन तरह के प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है बेटा। एक होते हैं परफेक्ट कंपटीशन वाले, एक होते हैं मोनोपोली मार्केट वाले, और एक होते हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन वाले। वैसे तो 5 टाइप्स के होते हैं, बट जो मेन होते हैं वो 3 टाइप्स के ही हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, मोनोपोली कॉम्पिटिशन मार्केट एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। देखिए बेटा, पहले इनको जानने से पहले हम क्या कर लेते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि होता क्या है। परफेक्ट कंपटीशन नाम से क्लियर हो रहा है, परफेक्ट। देखिए, इस कंपटीशन में क्या होता है, बहुत सारे सेलर होते हैं जो होमोजीनियस एक ही तरह के गुड्स सेल कर रहे होते हैं, तो इस कंपटीशन में जो हमारे सेलर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं और जो बायर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे देखिए बेटा, जो हमारे वीट सेलर होते हैं या फिर जो हमारे शुगर सेलर होते हैं, ये क्या होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है। जैसे शुगर, चीनी हमारा होमोजीनियस प्रोडक्ट है, मीन्स सारे के सारे जो भी बेचेंगे वो शुगर ही बेचेंगे, अगर जितने भी परफेक्ट कॉम्पिटिशन में है, यानी कि वो होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करें। अगर मान के चले कि एक मार्केट में 10 हैं चीनी सेल करने वाले, तो क्या सेल करें, चीनी सेल करें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं, ठीक है, बायर भी बहुत सारे हैं, पर लेकिन इसमें आपको एक रिस्क क्या रहता है कि अगर आप अपना थोड़ा सा प्राइस बढ़ा देंगे, मान के चलिए मैं शुगर बेचती हूँ, कोई और है वो भी शुगर बेचता है, अगर शुगर का प्राइस 40 रुपीज़ फिक्स हो रखा है, ठीक है, अगर मैं 41 पे बेचूंगी तो क्या लोग मेरे पास आएंगे, नहीं आएंगे। वो क्या कहेंगे कि 40 रुपीज़ में तो कहीं और से मिली, और सेम ही चीज़ है, शुगर ही है, तो मैं कहीं और से परचेज कर लूँगा। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में यही होता है, लॉट्स ऑफ बायर्स होते हैं, लॉट्स ऑफ सेलर्स होते हैं, और वो चाहकर भी प्राइस नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अगर वो प्राइस बढ़ाते हैं अपनी कॉमोडिटी का तो जो उनकी सेल होती है वो जीरो तक पहुंच सकती है, क्योंकि लोग उनके यहाँ पे चीज़ों की डिमांड नहीं करेंगे। तो थोड़े से फीचर पढ़ लेते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, जो बोथ सेलर्स एंड बायर्स में, सेलर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और बायर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, होमोजीनियस मतलब जो क्वालिटी में क्वान्टिटी में सेम होते हैं,
फर्म इज ओनली प्राइस टेकर. प्राइस टेकर का मतलब समझ लीजिए, प्राइस टेकर का मतलब होता है कि जो फर्म होती है वो जो प्राइस डिसाइड कर देते हैं ना इंडस्ट्री, वो ही सेल करते हैं. जैसे मैंने अभी बताया ना 40 रुपीज़ प्राइस डिसाइड हो गया तो 40 में ही सेल करते हैं, 41 में नहीं कर सकते क्योंकि लोग डिमांड करना बंद कर देंगे, किसी और से परचेज कर लेंगे. नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता क्योंकि जो गुड्स होती है वो उनके पास होती है, वहीं पर बहुत सारे क्या होते हैं सेलर्स होते हैं, लोग चीज़ें खरीदने आते हैं. ठीक है. रैशनल बायर्स एंड कंज्यूमर. रैशनल बायर्स मतलब जो चीज़ें खरीदने वाले हैं वो बहुत समझदार हैं, उन्हें पता है कि चीज़ें कहाँ ज़्यादा सस्ती मिलेंगी और कहाँ कम, अगर जहाँ पे महंगी मिलनी स्टार्ट होगी वहाँ से वो परचेज नहीं करेंगे. ठीक है. फ्री एग्जिट एंड एंट्री का मतलब है कोई भी इस कॉम्पिटिशन में आ सकता है और कोई भी जा सकता है. अब देखिए बेटा, जब ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन है जहाँ पर क्या है कि इतने सारे बायर्स हैं और सेलर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या आप अपना प्राइस बढ़ाने का रिस्क लेंगे? क्या एक प्रोड्यूसर अपना प्राइस बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा. ठीक है बेटा. इसीलिए जो इसमें रेवेन्यू कर्व बनता है वो क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ. तो रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, तो AR एंड MR एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि जो हमारा एडिशनल रेवेन्यू होता है वो बराबर होता है. कर्व्स आर परफेक्टली इलास्टिक अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. इट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि अगर आपने थोड़ी सी भी अपनी प्राइस बढ़ाए, ठीक है, तो आपकी डिमांड जीरो हो सकती है, और अगर आप प्राइस नहीं बढ़ाएंगे तो आपकी डिमांड हो सकता है 1 हो 2 हो 3 हो, और वो आपकी डिमांड बढ़ भी सकती है. ठीक है. इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें एवरेज रेवेन्यू यानी कि जो आपका प्राइस होता है इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, वो आपके एडिशनल प्राइस के बराबर होता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते. अगर आपने प्राइस बढ़ाया तो आपकी डिमांड जीरो हो जाएगी. दैट्स व्हाई इट्स कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कर्व. अब बात कर लेते हैं मोनोपोली मार्केट की. देखिए बेटा, मोनोपोली वर्ड अगर आप नॉर्मल सोचें तो मोनोपोली क्या होता है? एकाधिकार. क्लियर? क्या होता है? एकाधिकार होता है यानी कि एक इंसान का हक. ठीक है. तो मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, सिंगल सेलर होता है और मैनी बायर्स होते हैं. अब आप सोच के देखिए, जहाँ पर बेचने वाला सिर्फ एक होगा और खरीदने वाले बहुत सारे होंगे, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पर ये होगा कि वो अपना मनमाने प्राइस चार्ज करेगा. होता है ना ऐसा कि अगर हम मान के चल रहे हैं कि वो एक ही बेचने वाला है और बहुत सारे खरीदने वाले हैं, तो वो अपना मनमाने प्राइस चार्ज करता है. इसीलिए जो इंडिया है ना वो मिक्स्ड इकोनॉमी है. वो क्या करती है कि जो मोनोपोली मार्केट होती है वो जल्दी से किसी को देती नहीं है. जैसे जो रेलवे आपका, वो गवर्नमेंट के अंदर आता है. जो आपके ये सिलेंडर वगैरह अगर आपने देखा होगा तो ये क्या होता है, गवर्नमेंट के अंदर आते हैं. अगर सब्सिडी दे रही है तो गवर्नमेंट देगी. अगर रेलवे डिपार्टमेंट में अगर जो टिकट्स वगैरह डिसाइड करनी है वो कौन करती है? गवर्नमेंट करती है. क्योंकि अगर ये अगर एक सिंगल सेलर है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रेलवे डिपार्टमेंट है वो सिंगल है, अगर वो प्राइस बढ़ाएंगे रेलवे टिकट्स के तो हमें वो लेने पड़ेंगे क्योंकि हम रेल यूज़ करते हैं. ठीक है. तो इसीलिए जो मिक्स इकोनॉमी होती है लाइक इंडिया, वहाँ पर जो मोनोपोली मार्केट होती है वो किसके हाथ में होती है? गवर्नमेंट के हाथ में होती है. ऐसा क्यों होता है? ताकि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर को रोका जा सके. ठीक है. कि लोग जो प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट ना कर ले. तो अब इसके थोड़े से फीचर देख लो. इसमें क्या होता है, इसमें वन सेलर होता है एंड मैनी बायर्स होते हैं. ठीक है. क्या होता है? वन सेलर एंड मैनी बायर्स. और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है इसमें कि अगर सेलर चाहता है कि मैं अपने प्रोडक्ट ज़्यादा सेल करूं, क्या चाहता है कि अपने प्रोडक्ट ज़्यादा सेल करूं, तो उसको अपना प्राइस कम करना पड़ता है. इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस. अगर प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे किसी चीज़ के, ध्यान से सुनिए, लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ाया है कि अगर प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे किसी चीज़ के तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी. तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोड्यूसर जब अपनी गुड्स ज़्यादा सेल करना चाहता होता है तो वो क्या करता है, अपने प्राइस को कम कर देता है. ठीक है. तो यही बात इस कर्व में बताई हुई है. देखिए आप ध्यान से, तो इसमें देखिए आपने बताया हुआ है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का कर्व है वो मोर स्टीपर है. बेटा इसको हम स्टीपर बोलते हैं. एक होता है स्लोपी और एक होता है स्टीपर. स्टीपर का मतलब क्या है कि जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू और जो एवरेज रेवेन्यू है, इसमें अगर ये कर्व ऐसा इसलिए होता है कि अगर कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना चाहता है प्रोड्यूसर, तो उसे अपना क्या करना पड़ेगा, प्राइस को कम करना पड़ेगा. इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको टेबल की मदद से बता देती हूँ. देखिए ये हमारे आउटपुट है 1, 2, 3, 4. ये हमारे एवरेज रेवेन्यू है, ये हमारा टोटल रेवेन्यू है, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये जो आउटपुट इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो भी देखेंगे आप इंक्रीज़ हो रहा है ना. बट जो आपका एवरेज रेवेन्यू है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है. और जो आपका ये मार्जिनल रेवेन्यू है वो भी क्या हो रहा है,
डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर प्रोड्यूसर को अपना गुड्स सेल करने हैं, यानी कि अगर उसको अपनी आउटपुट बढ़ानी है, तो उसको अपना प्राइस लो रखना पड़ेगा, क्योंकि जब प्राइस महंगा हो जाता है तो लोग उसकी डिमांड कम कर देते हैं। तो यही चीज़ इसमें लिखी हुई भी है कि इन दिस कंडीशन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ही कैन सेल मोर यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी। देखो, तभी वो बेच सकता है एट रिड्यूस प्राइस, जब वो प्राइस अपना कम कर दे। बट इफ़ ही चार्ज हाई प्राइस, ही विल सेल लेस यूनिट ऑफ आउटपुट। ऐसा क्यों होता है? लॉ ऑफ डिमांड की वजह से होता है, अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि प्राइस हाई हो जाते हैं तो लोग अपनी डिमांड कम कर देते हैं। अब देखिए, जो हमारा थर्ड कंपटीशन है वो आ जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मतलब समझ लेते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। देखिए बेटा, परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर, मोनोपोली में एक सिंगल बायर, सिंगल सेलर और बहुत सारे बायर। अब मोनोपोलिस्टिक में भी क्या होता है, बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर होते हैं, बट यहाँ पर जो मेन पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है क्वालिटी डिफ्रेंशिएशन। यानी कि अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो लोग उसको हाई प्राइस पे भी परचेज कर सकते हैं, बट आप ज़्यादा हाई प्राइस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर ज़्यादा हैं, अगर आपने ज़्यादा प्राइस हाई करा तो वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। बट थोड़ा सा इसमें जो आपको फ़ायदा होता है, वो बेनिफिट जो होता है, वो इस चीज़ का होता है, क्वालिटी प्रोडक्ट का। फॉर एग्जांपल देखिए बेटा, पेप्सोडेंट के प्रोडक्ट हो गए, कोलगेट हो गए, डाबर के प्रोडक्ट हो गए, ये जो टूथपेस्ट हैं, ठीक है, अगर इन टूथपेस्ट में से जो क्वालिटी प्रोडक्ट आपको सही लगता है, मान के चलिए अगर कोलगेट है, कोलगेट का क्वालिटी प्रोडक्ट कंपैरिजन में दो पेप्सोडेंट और डाबर के प्रोडक्ट से अच्छा है, तो वो अपने प्राइस थोड़े से हाई कर सकता है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा हाई हो जाएंगे तो लोग पेप्सोडेंट या डाबर की तरफ चल जाएंगे, क्योंकि कह के कि टूथपेस्ट ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब आपकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है ना, तो आप थोड़ा प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन करके, यानी कि अपनी क्वालिटी को अच्छा बता के, थोड़े से हाई प्राइस कर सकते हो, पर ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे डव सोप हो गया, आपका पियर सोप हो गया, अगर आप कंपेयर करेंगे तो बाकी सोप से इनके प्राइस थोड़े हाई होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये बोलते हैं कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जो फ़ायदा होता है कॉम्पिटिटर को, वो यही होता है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करता है, ठीक है बेटा। बट वो ज़्यादा अपने प्राइस हाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटर और भी बहुत हैं। तो देखो, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन आर सिमिलर टू मोनोपोली। मोनोपोली की तरह ही होता है, क्योंकि इसमें भी आपको क्या है कि अगर आपको प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल करने हैं तो आपको अपना प्राइस लो करना पड़ेगा। बट जो मोनोपोली होता है इसमें स्टीपर होता है ग्राफ, वो इसीलिए होता है क्योंकि वो सिंगल सेलर है, वो चाहे तो प्राइस थोड़े हाई रख सकता है। बट मोनोपोलिस्टिक में इसको हम थोड़ा स्लोपी करते हैं, ठीक है, कैसा रखते हैं, थोड़ा स्लोपी रखते हैं, यानी कि जो मोनोपोली के ग्राफ से थोड़ा सा स्लोपी मतलब थोड़ा ज़्यादा लेटा हुआ रखते हैं इसको हम। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें कॉम्पिटिटर और हैं, अगर आप थोड़ा ज़्यादा प्राइस हाई करोगे तो आपका जो कस्टमर है वो आपसे छिन जाएगा, ठीक है। इसको और समझने के लिए मैं आपको एक टेबल बता देती हूँ। देखिए, अगर आप अपनी बुक में टेबल देखेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपके आउटपुट है, ठीक है, ये आपके एवरेज रेवेन्यू है, ये आपके टोटल रेवेन्यू है, जो मैंने निकालना आपको पहले ही बता दिया है, और ये आपका क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो, एवरेज रेवेन्यू भी डिक्रीज़ हो रहा है और मार्जिन रेवेन्यू भी डिक्रीज़ हो रहा है, अगर आउटपुट बढ़ रहे हैं तो। कहने का मतलब है कि अगर आपको आउटपुट बढ़ाने हैं तो आपको अपना प्राइस थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, नहीं तो कॉम्पिटिटर का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कंपैरिजन करें, देखिए बेटा, अगर आप दोनों को देखें, पहले देखिए, ये मोनोपोली का कर्व है, क्लियर हो रहा है, ये किसका कर्व है, मोनोपोली कॉम्पिटिशन का, और ये किसका है, ये आपका है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। अगर आप दोनों ग्राफ को एक साथ देखेंगे ना, तो ये वाला जो कर्व है ये स्टीपर है, ठीक है, स्ट्रेट है थोड़ा ज़्यादा, और ये वाला हमारा क्या है, स्लोपी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव जो कॉम्पिटिटर है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, और यहाँ पर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अगर आप यहाँ पर सेल करेंगे कम प्राइस पे तो लोगों की डिमांड बढ़ सकती है, बट कॉम्पिटिटर नहीं आएगा। बट यहाँ पर क्या होता है, आप ज़्यादा अपना प्राइस हाई नहीं कर सकते क्योंकि कॉम्पिटिटर बैठा है, वो आपके कंज्यूमर को अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और इसमें लाइन भी लिखी हुई है कि रेवेन्यू अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन आर सिमिलर टू मोनोपोली, ठीक है। तो अगर आपको क्या करना है, हियर ऑल्सो सेलर डिक्रीज प्राइस टू इंक्रीज से, बट इन दिस केस कर्व AR एंड MR नॉट सो स्टीप एज इन केस ऑफ मोनोपोली। स्टीप नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो जो है ऑलरेडी कोई यहाँ पर आपका कॉम्पिटिटर नहीं है, बट मोनोपोलिस्टिक में है तो आप ज़्यादा प्राइस हाई नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एडिशनल रेवेन्यू क्या होता है, इनकी रिलेशनशिप क्या है, और परफेक्ट
कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन और मोनोपोली कंपटीशन में ग्राफ स्टीपर क्यों होते हैं, स्लोपी क्यों होते हैं और परफेक्टली इलास्टिक क्यों होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आप अपने अच्छे से नोट्स बना पाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।